आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। माता के नवरात्रि में आठवां दिन शक्ति आराधना का आठवां स्वरूप और आठवां स्वरूप महागौरी के रूप में पूजा जाता है। पहले दिन हमने शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवां स्वरूप माता का सातवें दिन जिस स्वरूप में पूजी जाती है कालरात्रि, और आठवें दिन महागौरी के रूप में माता का पूजन होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मराही माता जो कोष्टा समाज की कुलदेवी हैं, पर कोष्टा समाज के साथ ही साथ सारे धर्मावलंबी इस मंदिर में आकर शीश नवाते हैं, यहाँ पूजन अर्चन करते हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये कपीश्वर हनुमान मंदिर मराही माता प्रांगण में बना हुआ है। दोनों ही सिद्ध पीठ के स्वरूप में जाने पहचाने जाते हैं। मराही माता की मान्यता है कि यहाँ कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। महागौरी आठवें दिन पूजी जाती हैं। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इस नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद फूल से की गई है। अष्टवर्षा पदेव गौरी यानी इनकी आयु 8 साल मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इनको कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। इनके बारे में जो भी पुराणों में मिलता है, पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की, इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी भी कहा जाता है। यह अमोघ फलदायिनी और इनकी पूजा से भक्तों का तमाम कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी इनकी पूजन से नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी होती है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। एक मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठा रहा। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी माता जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें सिंह पर बहुत दया आई। उन्होंने दयाभाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने के प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा था। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसका सुहाग की रक्षा स्वयं देवी किया करती हैं। ये हम आपको यहाँ देखिए जवारे रखे हुए हैं माता के मंदिर में। ये मराही माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और अब इसका जीर्णोद्धार का काम भी जारी है मंदिर समिति के द्वारा। देखिए कितनी सलोनी प्रतिमा माता की दिख रही है मंदिर के अंदर। ये मूल मंदिर जो आज से लगभग 5-6 दशक पूर्व ये छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जो अब इतना भव्य स्वरूप ले चुका है। मंदिर समिति ने भक्तों से ज़्यादा तादाद में यहाँ सहयोग करने की अपील की है। ये हम आपको दिखा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित माता का ये दरबार, माता का मंदिर। यहाँ मराही माता के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये कोष्टा समाज जो है इनकी कुल देवी मानी जाती है, पर अब कोष्टा समाज की कुल देवी के साथ ही साथ कोष्टा समाज के अतिरिक्त सारे धर्मावलंबी यहाँ आकर माता की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। यहाँ नवरात्र में चाहे वह चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, भक्तों का तांता लगातार ही लगा रहता है।
माता की कांतिमय प्रतिमा को देखते देख कर भक्त बहुत ही भाव विभोर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम लगातार ही आपको हमने 7 दिन तक 7 देवालयों के दर्शन कराए। आठवें दिन अब हम आपको बराई माता के दर्शन करा रहे हैं और नौमी के दिन हम आपको छपारा बंजारी स्थित माता के दर्शन कराएंगे और नौवा स्वरूप सिद्धदात्री का होता है। सिद्धदात्री की कथा हम आपको 14 अक्टूबर को माता सिद्धदात्री की कथा हम आपको बताएंगे। 15 तारीख को दशहरा है। 15 या 16 अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि 15 या 16 कब दशहरा बनेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं।